है ना इस वक्त कार में बैठ चुके हैं और हम आगे की तरफ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चले यार ये रखे भाई पानी यार। ये है चीज पकौड़ा और ये डेजर्ट का पकौड़ा कह सकते हैं यार, मजेदार पकौड़े। पानी पी के हमने रोजा खोल लिया है, हम मौजूद हैं दुबई पैलेस पर। ये उन्होंने पता नहीं कितनी दफा यूज करने के बाद इसको दोबारा फिर जो है ना भरा हुआ था पानी से, क्या क्या दे रहा था हमारे। दोस्तों हम आज जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ। जैसे कि हमारी एक प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप हमें डेजर्ट का दोबारा जो चक्कर लगवाएं, तो हम आज आपको रमज़ान शरीफ में लेके जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ और हमें वहाँ पे इंशाल्लाह अफ्तारी वहाँ पे करेंगे। हमारे साथ और भी दोस्त वहाँ पर हमको ज्वाइन करेंगे, तो मज़ीद चलते हैं। इस टाइम गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 41 टेम्परेचर है ताहिर भाई यहाँ पर, और हम इंशाल्लाह जो है ना वो चलते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे ताहिर भाई? पिछली वीडियो में जो है ना हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल सैर करवाएंगे इस रास्ते से लेकर डेजर्ट तक। रास्ते में जो जो मनाजिर आएंगे वो आपको दिखाएंगे, और उसके साथ जो है ना लोगों का जो वहाँ का रहन सहन है स्पेशली वो दिखाएँगे, और वहाँ पर जाके अफ्तारी भी करेंगे, और काफ़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। तो आपने हमारे साथ रहना है, अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे के जो सीन हैं वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन हम जो है ना इस वक्त कार में बैठ चुके हैं और हम आगे की तरफ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रबी कौन सी जगह है ये? ये ताहिर भाई अलीसांगी है, अलीसांगी से हम अब पैलेस की तरफ जो है ना वो जाएंगे, और हम इंशाल्लाह ट्रैक पे जो है ना वो निकल चुके हैं। नाज़रीन आपको ये तो पता है कि ये है इब्रार भाई, मैं ताहिर सुल्तान, और इब्रार भाई जो आपकी टीम है हमारी टीम है। अच्छा, हमारे दो दोस्त हैं वो हमें हमारे साथ बैठे हुए हैं अब्बास भाई, इरफान भाई और जानदेव भाई है ना। ये माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। आज इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें जो है ना ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह ये इफ्तारी भी हमारे साथ ही करेंगे डेजर्ट पे, और इंशाल्लाह वो पूरी वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और यहाँ का तो हमने आपको टेम्परेचर दिखा दिया है, और आगे चल के हम आपको डेजर्ट का टेम्परेचर भी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही होता है। जी बिल्कुल, इस तरह ही है ताहिर भाई, वहाँ पे रेत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। और इब्राहिम भी दूसरा ये है कि वो सुने कि रात को फिर इसी तरह ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल ताहिर भाई, मेरा एक्सपीरियंस 2-3 दफ़ा हो चुका है, मैं डेजर्ट पे ना रात गुजार के हूँ वहाँ पे। ये नॉर्मल मौसम में जो है ना वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमें जब वहाँ पे अगर स्टे करना होगा रात को तो हमें कुछ इंतज़ाम करके जाना पड़ेगा आपका। अच्छा। ना वैसे अगर हम कहें कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में वहाँ पर स्टे कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। मंडी लगती है ये नाल है।
जी तो व्यूवर्स, हम आपको डेजर्ट की सैर तो करवाने जा रहे हैं, साथ में आपको ज़िला रहीमर खान की हिस्ट्री भी बता देता हूँ। जनूबी पंजाब का ज़िला रहीमर खान तीन सूबों के संगम पर वाक़े दरियाए सिंध के किनारे एक सरसब्ज और शादाब ज़िला है। सूबा पंजाब में रहीमर खान रकबे के लिहाज से चौथा बड़ा ज़िला है, जिसका रकबा तकरीबन 11,880 किलोमीटर और आबादी के लिहाज से ये सूबे में छठा बड़ा ज़िला है। रहीमर खान की चार तहसीलें हैं। तहसील रहीमर खान जो डिस्ट्रिक्ट है वो खुद भी एक तहसील है, तहसील लियाकतपुर, तहसील खानपुर और तहसील सादिकाबाद। इस ज़िले का एक चौथाई हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जिसे चोलिस्तान या रूही भी कहते हैं और इसको डेजर्ट भी बोलते हैं, और ये वो हिस्सा है जिसकी हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। सफ़र के खूबसूरत मनासिर को इंजॉय तो कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको चौलिस्तान की तारीख भी बताता चलूं तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाज़रीन, रिवायत में ये भी है कि ये चौलिस्तान हमेशा से ही सैरार नहीं था, बल्कि आज से 1000 साल पहले यह खित्ता इंतहाई सरसब्ज व शादाब हुआ करता था और यहाँ अजीम व शान दरियाए हाकड़ा बहता था। और ये बड़ी दिलचस्प तहजीब थी, ये दरियाए हाकड़ा के अजीम तरीन तहजीब इस ज़माने में हिंद और सिंध की तिजारत का मरकज़ थी। लेकिन इस तहजीब को एक आफत ने घेर लिया, क्योंकि दरियाए हाकड़ा आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गया और ये तहजीब भी फिर उसके साथ ही मिट गई। नाज़रीन, आप अब भी बारिशों के मौसम में अगर रोही जाएँ तो आपको दरियाए हाकड़ा के निशानात अब भी मिलेंगे और आपको पानी बहता हुआ नज़र आएगा और ऐसा लगेगा जैसे दरिया का पार्ट हो। नाज़रीन, चौलिस्तान की ज़िंदगी बहुत पुरसरार और अगर देखा जाए तो सूफियाना और मशहूर कौन है। यहाँ एक अजीब रोमांस है जिसे सिर्फ वहाँ जाकर देखा और महसूस किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको वहाँ के मनाज़िर दिखाते हैं। ज़िब्रार भाई काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, कैसे कम होगी इसमें सामने जो है ना गाइस, दुबई पहले से आ चुका है। नाज़रीन, हम जो है ना इस वक्त इंटर हो चुके हैं डेजर्ट में और डेजर्ट का गांव है ये, और फिर इसके आगे जो है ना डेजर्ट शुरू हो जाएगा।
के करीब आप मेरे पीछे देख रहे हैं झोंपड़ी, और इसको सरायकी ज़बान में कोपा बोलते हैं। और ये जो है ना आपको डेजर्ट के करीब पहुंचने की यही निशानी होगी कि आपको इस तरह की बहुत सारी झोंपड़ियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो नाज़रीन यहाँ पर देखें कि ये जो है ना चादर से ढांपा हुआ है अंदर से इसको। कुछ इस तरीके का है डेजर्ट का व्यू, और पीछे जो है खड़े हैं अब्रार भाई और उसके साथ हमारी टीम एटी प्रो क्रिएशन टीम और गाड़ी हमारी। और अभी जो है ना हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के। अभी आगे चलेंगे और वहाँ पर चल के आपको ऊँट वगैरह भी दिखाते हैं।
का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और अभी हम आपको दिखाएंगे किसी वीडियो में। इब्रार भाई मेरे साथ हैं, इब्रार भाई कैसा फील कर रहे हैं यार? मुझे तो ताहिर भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है, यकीन मानेगा यहाँ से जाने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएँ, क्योंकि रोज़ा भी अब अफ्तार होने वाला है और आप हमारे बैक साइड पर देख सकते हैं कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है। आप अगर यहाँ पर सफ़र करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुबई में फिर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह का व्यू आ रहा है ना। ये देखें आपको हर तरफ ये खजूर के दरख्त और कितने अच्छा से उन्होंने उसका ना बनाया हुआ है, सूरज डूबता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बिल्कुल इस तरह जी, ये दरख्त यहाँ पे जो है ना सुनसान, बड़ा बंदा को ना वो खुश फील कर रहा है यहाँ पे। टाइम क्या हुआ है ताहिर भाई? इस टाइम ना 6:32 हो गए हैं और 6:40 पे रोज़ा अफ्तार टाइम है, और हम जो तो आए इसी उम्मीद पे थे कि डेजर्ट होटल है यहाँ पे, वहाँ पे अफ्तारी करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो होटल बंद है, और जब हम यहाँ पर एंटर हुए तभी हमें पता चल गया था, इसलिए हमारी हालत थोड़ी डाउन हो गई थी। तो अब हम इसी स्पीड से जा रहे हैं कि किसी पॉइंट पर पहुँचे और वहाँ पर जाके पानी की बॉटल और कुछ पकौड़े वगैरह लेके उसका रोज़ा अफ्तार करें। बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी टाइम पे पहुँच जाए हम। लगभग इफ्तारी का टाइम आन पहुंचा है जी, बिल्कुल बाकी जो है ना वो 5 बाकी हैं, और हमने माशाल्लाह काफ़ी सफ़र जो है ना वो कवर कर लिया है, बाकी कुछ है इस पॉइंट पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, बस पहुंच जाए पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंचेंगे 1 पहले ना। अच्छा काफ़ी सफ़र है। आजकल 39 हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद रोज़ा खुलने वाला है। हमने लड़कों को भेजा हुआ है जाके बॉटल की पानी की बॉटल ले आए और आगे से हम देखते हैं कोई हमें जो है ना वो खाने के लिए कुछ और चीज़ मिल जाए। जाज़ेब जल्दी करो भाई, जल्दी आ जा। अभी ना हमने पूछा है दुकान वाले से, तो इब्राहिम भाई ऐसे ना उन्होंने फिर हमें आगे जगह बताई है पकौड़ों वाली, पकौड़ों के लिए उन्होंने आगे कहा कि आगे शॉप है आप। हाँ
किसी को हम अपनी तेज निगाहों से ढूंढ रहे हैं कि कहां पर है, वहां से मिल जाए और हमें जो है ना वो वहीं पे एक नाज़रीन इफ्तार का जो टाइम है वो होने वाला है। भाई अभी टाइम हो गया, वैसे भी मैं सामान लेके आ गया हूँ। चले यार ये रखे भाई। नलकियां दा पानी आ रोजा खोल लिया है और इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई पैलेस पर और अभी घर को तरफ जा रहे हैं। ब्रॉड भाई ने गाड़ी रोक ली है ताकि यहाँ पर जी हाँ, मैंने गाड़ी रोक ली है साइड पे इसलिए कि हम आसानी से जो है ना रोजा इफ्तार कर चुके। अब हम रोजा इफ्तार कर रहे हैं। ये है चीज पकौड़ा और ये डेजर्ट का पकौड़ा कह सकते हैं। यार मजेदार पकौड़े तो मजेदार है ना। और भी कुछ आपको मैंने व्यू पकौड़े का तो नहीं दिखाया, जलेबी का दिखाया क्योंकि पकौड़े ऑलरेडी बने हुए थे, जलेबियां बन रही थी। ये देखिए नाजरीन, हमने जो पानी की बॉटल्स ली थी ये उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा यूज़ करने के बाद इसको दोबारा फिल जो है ना भरा हुआ था पानी से। ये मुझे तो लगता था जैसे वो ये नलके का पानी ये भरा हुआ है। आप इसकी देख सकते हैं कंडीशन, बॉटल की देख सकते हैं। उस टाइम था ये देखें, उस टाइम तो हम रोजे की हालत में थे तो हमें कुछ पता नहीं चला, आंखों के आगे अंधेरा था हमारे। तो अब देख सकते हैं ये है हमारे पाकिस्तानियों का हाल रमजान से। बाकी अल्लाह ताला थोड़ा सा डिफरेंस बता दे। ये देखे ना ये बॉटल फिर भी उससे कुछ जो है ना कदरे बेहतर है, लेकिन इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। चले अल्लाह ताला उनको भी है ना ये चीज का जो है ना वो सवाब दे। जिसमें हमने आपको डेजर्ट की सैर करवाई, सिटी से लेकर हम डेजर्ट तक गए, वहाँ पर आपको घुमाया फिराया और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। और हम जो है ना ये सोच कर गए थे कि डेजर्ट में जो एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पर जो है ना हम इफ्तार करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में अपने काफ़ी सारे व्यूवर्स को ये बताया था कि हम जो है ना इफ्तार का प्लान है हमारा डेजर्ट पर। तो लेकिन ये है कि डेजर्ट के अंदर ही हुआ है, बस करीब थे हम डेजर्ट के। तो बाकी ब्रार भाई से पूछते हैं, ब्रार भाई आपको कैसा लगा? जी ताहिर भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो हमारा प्लान था अफ्तारी का वो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। बस प्लान हमारा, अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि जो होटल था वहाँ पे वो क्लोज है तो हम वहाँ पे कुछ सामान वगैरह साथ ले जाते, वहाँ पे अफ्तारी करते। लेकिन नेक्स्ट टाइम चलें फिर इंशाल्लाह, कभी चलेंगे तो फिर जो है ना वहाँ पे अफ्तारी वगैरह करेंगे हम इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम जो है ना हम कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह डेजर्ट पर। और बाकी हमारे पीछे दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वैसे अफ्तारी तो हमने रास्ते में की है पर वैसे घूम फिर के बहुत मज़ा आया। वैसे उसके अलावा कुछ कहना चाहें डेजर्ट के? नहीं बस उसके अलावा कुछ अच्छा नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, वैसे इंसान हम खुद भी ना काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो इजीली कर जाते हैं, लेकिन जब कैमरा सामने आता है तो बिल्कुल जो है ना सारा देखिए है कुछ भी नहीं, जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कैमरे का जो फेस है वो हमारे तरफ है, वही हमारे कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, तो जो हम हैं वो सही तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक लास्ट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ब्रार भाई अपने व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें? सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अगर पॉसिबल हो तो आप विजिट कीजिएगा डेजर्ट का, हमें याद रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।